नमस्कार, स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे पंचायत चुनाव को लेकर। बिहार में इस साल होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों से शुरू हो गई है। अब निर्वाचन आयोग द्वारा जिलों में ईवीएम के इस्तेमाल होने वाले बैलेट पेपर की छपाई का भी निर्देश जारी कर दिया गया है। आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार सफ़ेद कागज पर काले रंग के ग्राम पंचायत सदस्य का नाम प्रिंट किया जाएगा। इसी तरीके से मुखिया पद के उम्मीदवार का नाम सफ़ेद कागज पर हरे रंग से दर्ज किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहचान मतदान के सफ़ेद कागज के नीले रंग से किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम जिला परिषद की बात कर लें तो जिला परिषद सदस्यों के लिए सफ़ेद कागज पर लाल स्याही से उसकी पहचान जो है दर्ज की जाएगी। इधर आयोग ने बताया है कि इस पहल से मतदाताओं को अपने चुनाव क्षेत्र में अलग अलग पदों के प्रत्याशियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। प्रत्याशियों की क्रम संख्या और नाम ईवीएम की बाईं तरफ जबकि चुनाव चिन्ह दाईं तरफ रहेगा। आयोग की तरफ से यह भी बताया गया है कि सभी जिलों के पदाधिकारियों और जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को इसको लेकर पूरी जानकारी दे दी गई है। आयोग की तरफ से जारी निर्देश में बताया गया है कि ग्राम पंचायत के चार पदों जैसे कि मुखिया, पंचायत सदस्य, पंचायत समिति और जिला परिषद का चुनाव ईवीएम से कराया जाना है। इसके लिए प्रयोग आने वाले बैलेट पेपर की छपाई स्थानीय स्तर पर की जाएगी। प्रत्येक पद के लिए चिन्ह ईवीएम के लिए 5 मतपत्र प्रति बूथ के दर से और टेंडर बोर्ड के लिए प्रति बूथ की दर से 20 बैलेट पेपर की दर से प्रिंटिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि मुखिया पद के लिए 15 बूथ हैं, तो ईवीएम के प्रयुक्त किए जाने के लिए कुल 75 मतपत्र और टेंडर बैलेट के लिए 3000 मतपत्रों की छपाई करने को कहा गया है। एक एक सीट मतपत्र में अधिकतम 16 अभ्यर्थियों के नाम दर्ज होंगे। 16 से कम अभ्यर्थी होने के नीचे के पैनल को खाली रखा जाएगा। प्रत्याशियों की संख्या अगर 33 से 48 के बीच में होगी तो 3 सीट तैयार किया जाएगा। अगर उसकी संख्या और बढ़कर 49 से लेकर 64 अगर हो जाती है तो 4 सीट का इस्तेमाल किया जाएगा। आपको बता दें कि ईवीएम में अधिकतम 64 अभ्यर्थियों को शामिल करने की व्यवस्था की गई है। पंचायत चुनाव के बाद 3 अधिकारियों को ईवीएम और बैलेट बॉक्स स्ट्रांग रूम में जमा करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इससे पहले केवल पीठासीन पदाधिकारी मजिस्ट्रेट के साथ ही बैलेट बॉक्स जमा करते थे, लेकिन अब पहली बार ऐसा होगा इसमें 3 लोगों को यह जिम्मेवारी दी गई है। इसमें मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन पदाधिकारी के अलावा मतदान अधिकारी 1 और मतदान पदाधिकारी 2 को यह जिम्मेवारी सौंपी गई है। बिहार निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराने को लेकर अब काफ़ी तेजी से काज कर रहा है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल के शुरुआत से ही पंचायत चुनाव करा रहा था, लेकिन साल के शुरुआती महीने में कोरोना के दस्तक के बाद से पंचायत चुनाव टाल दिया गया। इसके बाद पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जून महीने में समाप्त होने लगा, तो बिहार सरकार द्वारा परामर्श समिति का गठन कर पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों को गति दी गई और सरकार कोरोना के कारण कई चीज़ों में छूट देने लगी है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अक्टूबर से नवम्बर बीच में पंचायत चुनाव कराया जा सकता है। हालांकि वर्तमान में प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां अभी बाढ़ के हालात हैं, लेकिन आयोग का मानना है कि जैसे ही बाढ़ की स्थिति में कमी आएगी हम पंचायत चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। आयोग ने सभी जिलों से बाढ़ को लेकर कैलेंडर भी जारी करने को कहा है। ऐसे में अब देखना है कि पंचायत चुनाव होता है या फिर कोई ग्रहण लगता है। तो ये थी पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई खबर। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।